ओके दोस्तों, दिस इज द लास्ट डे ऑफ आवर जर्नी और हम लोग होटल हॉलीडे हिल से चेकआउट कर रहे हैं और फाइनली अब हम जा रहे हैं चर्च की तरफ। जाते चाय पी लेते हैं और थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा आज मुझे क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से। मेरा तो मन कर रहा था यहाँ बस जाऊँ। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली यहाँ पे आ चुके हैं चर्च पे और मेरे पीछे याक का फोटोशूट चल रहा है। लिटरली याक है, बट याक सांड से छोटा होता है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर भाई, आपने पहले कभी देखा था याक? हाँ। कहाँ पे देखा? कुफरी। ये सबसे रूरल है, तुमने देखा है कभी पहले? मैंने भाई आज ही देखा है। मैं तो लाइव में पहली बार देखा है। वो पोकेमोन देखते थे ना, पोकेमोन, ये कौन सा पोकेमोन है, वैसे ही लगा मुझे तो ये काफी कूल था। और यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी है, यहाँ पे भूतिया व्लॉग बना सकते हैं हम लोग। अच्छा एक चीज है, यहाँ की ग्रेवयार्ड काफी नक्काशीदार है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जेम्स ब्रूस का मेमोरियल है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, गवर्नर जनरल रह चुके थे जमैका के और हाई कमिश्नर और एम्बेसडर थे चाइना के। तो ये सेंट जॉन चर्च है मेरे पीछे जहाँ पर हम लोग गए अभी, और चूंकि आज संडे था और हमारा टाइम सही था तो हम चले गए थे अंदर। उसके अलावा ये पूरा ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स की जो लड़ाइयाँ हुई थी उनमें जो लोग शहीद हुए थे तो उनके नाम वाम लिखे हुए थे। एक नाम था लेफ्टिनेंट एसआर मास्टर जो कि म्यांमार में लड़ाई के दौरान गुजर गए थे, वो गोरखा राइफल्स की तरफ से थे। 1893 की बात है ये। उसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम पर 1914 से 1918 के बीच में मरे हैं उन सबके नाम थे। मैं सोच रहा था कोई एक इंडियन नाम मिल जाए लेकिन नहीं, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे। ऐसा नहीं था एक्चुअली, क्या होता था ना, हम लोग हायर रैंक पे हम लोग आते नहीं थे तो इसी वजह से इंडियंस के नाम नहीं मिल पाते थे। ये कई बार देखा गया क्योंकि हम लोगों ने भी वर्ल्ड वॉर में लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मेरे खुद के दादाजी ने म्यांमार वॉर में लड़ाई में पार्टिसिपेट में भी किया गया था और इराक में भी पार्टिसिपेट किया था मेरे दादाजी ने। ऑल दो वो सेफ थे बट कई सारे इंडियन सैनिक भी गुजरे थे। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ नोटिस करूँगा, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है वो पूरा का पूरा जो टेरेस है वो वुडन है। कैमरा अलाउ नहीं था, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाता, बहुत खूबसूरत है। और मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ से आ रहे हैं तो एक बार ज़रूर नज़र डाल लें, बहुत ही अच्छी जगह है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर यहाँ पे फोटोशूट चलता हुआ, गौरव भाई, भाभी और यहाँ पे रूबल भैया भी शुमार हो चुके हैं। तो अब मिलते हैं इसके आगे।
बगला मुखी माता के मंदिर आ चुके हैं और मैंने DSLR इसलिए निकाला फॉर द ऑब्वियस रीजन, DSLR देख के लोग डर जाते हैं। और ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का मंदिर है, ये देखिए नेपाल का झंडा के शेप का एक झंडा लहर रहा है। अच्छा, इस मंदिर पे आने के लिए आपको पर्ची कटानी पड़ती है जो कि ये है, बट ये इस पर्ची के कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो केवल ID प्रूफ चेक करते हैं कोई अटैक ना हो जाए, समथिंग लाइक दैट। और काफ़ी पुराना मंदिर है ये, आप लोग देख सकते हैं। वाओ, इट्स मैसिव। दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन कर लिए हैं, मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था शूट करना, तो हम लोगों ने शूट नहीं किया है। प्रसाद अच्छा था, किस्मत भी थी। हाँ देखो भाई, खाने पीने का आइटम मैं पहले देखता हूँ। बाकी ये बहुत पुराना मंदिर है, इसके आर्किटेक्चर से पता चलता है, जैसे कि हम नेपाल में भी मंदिरों में भी गए थे और चंपावत में मंदिर गए, जागेश्वर में गए, कुछ वैसे ज़माने का आर्किटेक्चर यूनिक सा लगा, पता है क्या, जैसे कि हर जगह मैं शुरुआत से नोटिस कर रहा हूँ कि येलो इन मेन थीम पर दिया गया है, तो झंडा है तो वो भी येलो कलर का है, तो फिर ऐसा लग रहा है कि वो जो माता है उनका भी थीम कलर कुछ येलो होगा। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज़ ये जय माँ बगला मुखी ये लिखा है, वो हिंदी और इंग्लिश फॉन्ट मिक्स में लिखा है, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। फटाफट और देर ना करते हुए अब हम लोग फटाफट निकलते हैं चंडीगढ़ की तरफ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो दोस्तों फाइनली हमें चाट की दुकान मिल गई है, इससे पहले हम लोगों ने पिज्ज़ा खूब सारा लुढ़क लिया है। मीठा खाओगे? पहले मैं गोलगप्पे खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ। तो ये अभिषेक जी हमें एक मिले हैं और ये ग्वालियर के रहने वाले हैं। हम लोग धर्मशाला से तकरीबन 12 किलोमीटर आगे आ गए हैं और हमें एक मजेदार चीज़ पता चली है, ये एक नदी बह रही है, मंजखड एक नदी है वो बह रही है, ये देखो कितनी सुंदर नदी है ना। मजेदार चीज़ ये है कि ये जो जंगल है, इस जंगल में आ चुका है शेर। ये अभी जब मैं वहाँ पे गोलगप्पे खा रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक शेर आ चुका है, शेर को पकड़ने वाले भी बुलाए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जितने भी लोग गाड़ी वाड़ी लेके जा रहे हैं वो तो तुरंत फास्ट भगा के लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब पहाड़ों पर ठंड हो जाती है तो वो शेर नीचे आ जाते हैं। तो एक शेर तो फिलहाल आ गया है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको मजेदार चीज़ बताने वाला हूँ, कल हम लोग जो गए थे पहाड़ पे बर्फ़ पे, उधर से ये वाले पहाड़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे थे, करेक्ट। और उसके नीचे जो हरे भरे पहाड़ हैं, जहाँ पे पेड़ आपको दिख रहे होंगे, ये वाला पहाड़, हम लोग इधर कहीं गए थे, अब वहाँ पे बर्फ गिर रही है। इसके बाद अब हम चूँकि पेड़ पूजा सब कुछ कर ही चुके हैं, तो हम सीधे के सीधे आपको मिलेंगे चंडीगढ़ में। ओके गाइस, मैं आ चुका हूँ चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ। इस ट्रिप को ख़त्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनली ख़त्म करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। और गौरव भाई यहाँ पर हैं और भाभी यहाँ पर है, रूबल भैया यहाँ पर हैं, तो मिलते हैं अगली ट्रिप में। बाय 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 बाय।